इंडोनेशिया में पाम ऑयल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दुनिया में पाम ऑयल का सबसे ज्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है और एक्सपोर्ट के मामले में भी वही पहले नंबर पर है, लेकिन इंडोनेशिया में इसकी सप्लाई टाइट हो गई है। इस कारण पाम ऑयल की घरेलू कीमत वहां पर 22,000 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। भारतीय करेंसी के हिसाब से यह 116 रुपए प्रति लीटर बैठती है। भारत का एक रुपया इंडोनेशिया के 189 रुपए के बराबर है। इंडोनेशिया की सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए कदम उठाए हैं और अब निर्यात रोकने की भी तैयारी चल रही है। इससे आने वाले दिनों में भारत में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत दुनिया में वेजिटेबल ऑयल्स का सबसे बड़ा आयातक है। भारत के आयात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। भारत हर साल करीब 14 से 15 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात करता है। इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 8 से 9 मिलियन टन की है। भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही मंगाता है। 2020-21 में भारत ने इंडोनेशिया से 40.95 लाख टन क्रूड पाम ऑयल का आयात किया था। हालांकि 2021-22 के पहले 10 महीने में इंडोनेशिया की तुलना में मलेशिया से ज्यादा पाम ऑयल मंगाया है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुमानों के मुताबिक 2021-22 में इंडोनेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन 45.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह वैश्विक उत्पादन का करीब 60% है। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। देश से हर साल करीब 29 मिलियन टन पाम ऑयल का निर्यात होता है, लेकिन इसकी घरेलू कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल के दौरान देश में इसकी कीमत 14,000 रुपये से 22,000 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। फरवरी में सरकार ने रिटेल कीमत तय कर दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बाजार से पाम ऑयल गायब हो गया और इसकी जमाखोरी होने लगी। एक लीटर तेल खरीदने के लिए लोगों को घंटे इंतजार करना पड़ रहा था। इंडोनेशिया की सरकार ने घरेलू स्तर पर कीमतों को काबू करने के अलावा निर्यातकों पर भी बंदिशें लगाई। उनके लिए निर्यात का 30% हिस्सा घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य कर दिया। यह बिक्री उन्हें तय कीमत पर करनी थी। क्रूड पाम ऑयल के लिए इसकी कीमत 9,300 रुपये प्रति किलो और रिफाइंड ऑयल के लिए 10,300 रुपये थी। सनफ्लावर ऑयल में दुनिया में करीब 80% ट्रेड पर यूक्रेन और रूस का कब्जा है। उसी तरह दुनिया का 90% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण ब्लैक सी के पोर्ट्स बंद हो गए हैं। पाम और सोयाबीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात सनफ्लावर ऑयल का होता है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध ने सनफ्लावर ऑयल के ट्रेड में बची कुची कसर पूरी कर दी है। दक्षिण अमेरिका में सूखे के कारण सोयाबीन ऑयल की सप्लाई भी बाधित हुई है। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे में 2021-22 में सोयाबीन के उत्पादन में 9.4% गिरावट आने का अनुमान है। ये पिछले 6 साल में सोयाबीन का सबसे कम उत्पादन है। इस तरह सनफ्लावर और सोयाबीन की सप्लाई टाइट होने से पाम ऑयल पर दबाव बढ़ गया है। पाम ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी की दूसरी वजह पेट्रोलियम की कीमत में आई तेजी है। पाम ऑयल को बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया की सरकार ने 2020 से ही डीजल में 30% ब्लेंडिंग को अनिवार्य बना दिया था। भारत की तरह इंडोनेशिया भी कच्चे तेल का आयात करते हैं। इसके बिल में कमी लाने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने ब्लेंडिंग को अनिवार्य बनाया है। इस वजह से भी पाम ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। 16 से 17 मार्च को इंडोनेशिया की सरकार ने रिटेल कीमत पर लगी कीमत की पाबंदी हटा ली और साथ ही निर्यातकों के लिए 30% घरेलू बिक्री की अनिवार्यता खत्म कर दी, लेकिन निर्यात पर टैक्स लगा दिया। यह टैक्स $175 से $375 प्रति टन है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ से ज्यादा है और सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले अपने लोगों के लिए उचित कीमत पर पाम ऑयल मुहैया कराने की होगी। साथ ही बायोफ्यूल के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी इंडोनेशिया से पाम ऑयल की सप्लाई टाइट रहने वाली है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर हो सकता है। देश में खाद्य तेलों की कीमत में पहले ही काफी तेजी आई है। हालांकि देश में पिछले महीने की तुलना में खाद्य तेलों की आयातित कीमतों में कमी आई है, लेकिन एक साल पहले की तुलना में
यह अब भी काफी ज्यादा है। मुंबई में आयातित तेल की कीमत अभी करीब $1,750 प्रति टन, जो पिछले महीने $2,000 प्रति टन और पिछले साल $1,175 प्रति टन थी। भारत में पाम ऑयल के बाद सबसे ज्यादा सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। इस साल देश में आयातित तेल की कीमत ₹200 लीटर से ऊपर जाने की आशंका नहीं है। इसकी वजह यह है कि देश में सरसों की भरपूर पैदावार हुई है। इस साल देश में 111 लाख टन सरसों का उत्पादन हो रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 26 लाख टन अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।